सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन टू की जो 5 पार्ट्स हैं उनके इस तरह से आंसर हो सकते हैं। ए येलो वुड का आंसर हो सकता है, इट इज अ स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट इन द ऑटम व्हेन लीव्स टर्न येलो बिफोर फॉलिंग। इट वाज अ ग्रासी एंड वांटेड वियर। इसका आंसर हो सकता है, द पाथ वाज कवर्ड विद ग्रास एंड इट वाज नॉट वॉर्न आउट बिकॉज फ्यू पीपल हैड वॉक्ड ऑन इट। द पासिंग देयर का आंसर हो सकता है, वॉकिंग ऑन डैट रोड। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक का आंसर हो सकता है, द लीव्स हैड नॉट टर्न्ड ब्लैक बिकॉज नो वन हैड ट्रैम्पल्ड देम येट। ठीक है, और फिफ्थ पार्ट का, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे का आंसर हो सकता है, व्हेन वन मूव्स ऑन ए रोड इट लीड्स टू अनदर रोड एंड अनदर वन टू सम अदर रोड्स, दस वन गोस फार्दर एंड फार्दर एंड कैनॉट कम बैक। दिस कुड बी द आंसर ऑफ दिस 5 पार्ट्स। क्वेश्चन 3 है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। तो इसका आंसर आप लिखोगे, क्वेश्चन दो पार्ट पे है, इन द स्टैंजेस 2 एंड 3 और इन द लास्ट 2 लाइंस ऑफ द पोएम। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ये हो सकता है, इन द स्टैंजर्स 2 एंड 3 द पोएट फाइंड्स नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द रोड्स। ठीक है, बोथ वर इक्वली वॉर्न बाय द फीट ऑफ द पीपल एंड बोथ ऑफ देम वर कवर्ड विद अनट्रॉडन ड्राई लीव्स। सेकेंड पार्ट, इन द लास्ट 2 लाइंस ऑफ द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स दैट देयर वॉज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ द रोड्स। One road was taken by many people and the poet took the road less traveled by। ये आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइंस ऑफ द पोएम मीन लुकिंग बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। पीछे मुड़कर के पोएट ने उस अपनी चॉइस को रिग्रेट किया या एक्सेप्ट किया। Looking back, the poet accepts his choice and is content with it. He says that his life might have been quite different if he had chosen the other way. We can say that the poet is happy because of his right decision. तो पोएट कुल मिलाकर के हैप्पी थे। उसके बाद और दो क्वेश्चन आते हैं, हाउ यू एवर हैड टू मेक ए डिफरेंट चॉइस और डू यू थिंक यू विल हैव डिफिकल्ट choices to make, how will you make the choice for what reasons? So yes, I will have to make a choice for taking optional subjects in class 11. I want to be a doctor, so I would like to take biology. I shall appear in pre-medical entrance test as a doctor. It will be impossible for me to serve the board. This answer, this two questions, one or two jo hum log abhi kar rahe hain, ye dekh rahe hain screen mein, they are the means questions which should be answered by your own. There is no need to write this answer. मैंने शेयर कर लिया, कुछ बच्चे इस आंसर लिख भी सकते हैं और जो बच्चे ऑब्वियसली जिनका व्यू दूसरा है क्लास 11 में जो सब्जेक्ट लेने का व्यू है, जो बनने का व्यू है, वो लिख सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज, आफ्टर यू हैव मेड चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट वट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। चॉइसेस लेने के बाद क्या आप मीन्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हो या जो है आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये चॉइस अगर मैं नहीं करता तो शायद अच्छा होता। तो द आंसर कुड बी, इट इज ह्यूमन नेचर टू थिंक दैट व्हाट माइट हैव बीन बट इट स्पॉइल्स आवर प्रेजेंट एंड कंसिक्वेंटली फ्यूचर ऑल्सो। सो वंस आई मेक ए चॉइस आई ट्राई टू फॉलो दैट एंड थिंक टू अचीव इट आई एक्सेप्ट द रियलिटी। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम लोग जो भी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, ऑब्वियसली डिसीजंस लेने के बाद भी दूसरे रास्ते बचते हैं कि हम लोग अगर इस डिसीजन के ऑपोजिट डिसीजन लिए होते तो शायद कुछ और हुआ होता, इस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन हमें ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए। ऐसी बात इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम लोग अगर अपने डिसीजंस को लेने के बाद, डिसीजंस को लेने के पहले कंफ्यूज
रहना स्वाभाविक हो सकता है और है भी, लेकिन डिसीजन लेने के बाद अगर हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन लेने के बाद अगर हम लोग यू नो फैसला नहीं कर, मतलब फैसला लेने के बाद अगर हम लोग कंफ्यूज है कि अरे ये ऐसा होता तो वो हो सकता था, वैसा होता तो ये हो सकता था, मीन्स अगर हम लोग डिसीजंस लेने के बाद भी अपने से अपने ऊपर कंफ्यूजन रखते हैं और सोचते हैं कि शायद हमने सही लिया या गलत, पता नहीं, और ये जितने लंबे समय तक ये चीज़ चलती है उतना ही मान लो हमारा समय खराब होता है। ये बात बहुत कड़वी, मीन्स ये बहुत कड़वी सच्चाई है ज़िंदगी की, लेकिन यही सच है। सच ये है कि वंस टेकन द डिसीजन वेदर राइट और रॉन्ग इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अच्छा एक बात और, हमेशा संभव नहीं कि हम अपने जीवन में सही डिसीजन लें। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी एंड देयर इज अ प्रोवर्ब विच सेज़ टू एर इज ह्यूमन, गलतियाँ करना इंसान का स्वभाव है। हाँ, गलतियाँ रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ करना इंसान का स्वभाव है। तो जो हम गलतियाँ कर लेते हैं, कभी कभार हमसे गलत डिसीजंस भी होंगे, लेकिन उन गलत डिसीजंस को लेने के बाद भी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस या उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो हमें झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द यू नो ऑफ द दिस थिंग। तो सबसे बड़ी बात है ये स्टूडेंट कि हमें आगे बढ़ना होगा, अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा, चलना होगा उस पर। और अगर हमसे कभी भूल हो जाती है, कई बार परिस्थितिवश सर्कमस्टेंसेस हमसे गलती करवा देते हैं, कई बार कुछ रॉन्ग पीपल हमारे लाइफ में आकर के हमसे गलती करवा देते हैं, तो ये सब जिंदगी का हिस्सा है, ये सब चलते रहता है। कुछ भी हो, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी स्थिति को, और जो डिसीजंस हम ले चुके हैं उन डिसीजंस को लेने के बाद हमें कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए। वी शुड स्टिक ऑन इट एंड रेडी टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेदर राइट और रॉन्ग डिसीजंस व्हाट वी हैव टेकन इन आवर लाइफ। सो दिस ऑल अबाउट दिस, आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। तो इस तरह से हमने चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री रीडर का, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का एक्सरसाइज आज आपसे शेयर किया, और हम लोगों ने किया। और दूसरा हम लोग बी हाइव की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हमने पढ़ा और उसकी एक्सरसाइजेस को किया। सो इस तरह से आज का वीडियो यहीं एंड होता है स्टूडेंट्स। It has been hoped by many teachers that the school is going to be opened soon. उम्मीद की जा रही है हम कई टीचर्स के द्वारा कि स्कूल जल्द ही खुलेगी। होप फॉर द बेस्ट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर नोटबुक्स ऑन एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, एन्जॉय योर लाइफ एंड थैंक यू वेरी मच।